अब वक्त आ चुका है नई गाड़ी लेने का। ये देखो इसका इंटीरियर भाई, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है भाई, 13 लाख रुपए का भाई बेस मॉडल पड़ रहा है इसका। तो ये भाई हमें पड़ रही है 21 लाख कुछ की, मैंने एस सीरीज वगैरह इसमें हटवा दिया है, तो ये पड़ रही है 21,45,784 की। गाइस भाई आप भी कमेंट करके बता दो कौन सी गाड़ी लूँ, स्कॉर्पियो एन लूँ या क्रेटा लूँ या कोई और आप सजेशन करना चाहते हो तो भाई वो भी कर दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने भाई के लिए। इसको आप कम भी करा सकते हो, जैसे ये हटवा के, जैसे ये है 28,700 रुपए का ये आइटम, इसे कटवा दो। टेफ्लोन कोटिंग इसमें देखो भाई कितने की लिखी हुई है, टेफ्लोन और एंटी रस्ट कोटिंग 11,500 की, इसे हटा दो। आज निकल लिए हैं क्रेटा देखने के लिए, क्रेटा आपको दिखाएंगे कैसी है कैसी नहीं, अगर अच्छी लगी तो बुक भी कर देंगे। टायर के अंदर है ना, हाँ भाई 20 इंच चेयर इसमें आराम से लग जाएंगे बढ़िया। तो अभी जो इसमें टायर दिए है ना वो है 17 इंच के तुम्हारे। Hey guys, welcome back to my new vlog। बहुत दिन बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, आप कश्मीर वाला तो देख ही रहे होगे, तो साथ में भाई मैंने ये वाला इसलिए डाल दिया क्योंकि हम कश्मीर से तो बहुत दिन पहले आ चुके थे, तो ये कुछ नई अपडेट थी, तो मैंने मुझे लगा कि अब सही वक्त आपको दे देनी चाहिए, क्योंकि भाई देखा था आपने कश्मीर अपनी गाड़ी यार बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो आज चल दिए हैं हम अपनी गाड़ी ढूंढने के लिए, मतलब कि नई गाड़ी ढूंढने के लिए कौन सी लें कौन सी नहीं। तो आपको जैसे पता है भाई क्रेटा नई नई लॉन्च हुई है और हमें थोड़ी भाई एसयूवी टाइप में चाहिए बड़ी गाड़ी, तो उसी के लिए भाई चल दिया हूं मैं आज भाई। और एक बज मतलब कि 2 ही बजने वाले हैं। सबसे पहले भाई मुझे करवानी अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट, कल ये ठीक हुई है यहाँ पर दिल्ली में भी, क्योंकि भाई इसका ना स्टेयरिंग रोड है वो डली थी कल, और नहीं तो मेरे आप डेली व्लॉग वाले चैनल पे आप जाके देख सकते हो तरुण चौधरी 00 पर, उस पर आपको जाके दिख जाएगी सारी डिटेल। और स्टेयरिंग रोड वगैरह डली थी, साइलेंसर डला था, तो और छोटे मोटे 2-4 काम थे वो भी हुए थे, और टैपिट की सेटिंग भी हुई थी, वहां पर मैकेनिक कर नहीं पाए थे तो ये थोड़ी मिसिंग वगैरह कर रही थी हल्की हल्की सी, मतलब पिकअप का मोड़ था गाड़ी में से ना, तो इसलिए वो भी करा लिया मैंने। और सबसे मेन चीज वो बात छोड़ते हैं सारी चीजें, आपने देखा भाई ये खराब हो रही है, कुछ दिक्कत परेशानी चल रही है इसके अंदर, तो हमने सोचा अब वक्त आ चुका है नई गाड़ी लेने का, देखते हैं कौन सी गाड़ी बेस्ट रहने वाली है। देख मुझे लेनी है बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च वाली कार, जो नई नई लॉन्च हुई हो, जिसमें मैं कंटेंट वगैरह भी अपना निकाल सकूं, सब चीजें कर सकूं, क्योंकि देखो इतनी महंगी गाड़ी लेंगे तो कंटेंट नहीं निकाला, पैसे नहीं बनाए हमने उससे, तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा आज निकल लिए हैं क्रेटा देखने के लिए, क्रेटा आपको दिखाएंगे कैसी है कैसी नहीं, अगर अच्छी लगी तो बुक भी कर देंगे। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा इसके अलाइनमेंट, फिर उसके बाद हम चल रहे हैं गाड़ी देखने सीधा। तो भाई ये देखो स्टीयरिंग अंदर से सीधा है, और ये देखो टायर दिख रहे हैं आपको टेढ़े, ये देखो ऐसे 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 करके ऐसे। तो अभी भाई इसे धागे से चेक कर रहे हैं पूरी, तो इसको भाई नट वगैरह ढीला वीला टायर टूट करके जैसे आगे सेट होती है। तो गाइस भाई अलाइनमेंट डन हो चुकी है, अब चल रहे हैं हम सीधा हुंडई के शोरूम पर, और वहां पर भाई देखते हैं सबसे पहले क्रेटा, अगर अच्छी लगी पूरा एस्टिमेट बनवाऊंगा कितने की क्या पड़ रही है, बेस मॉडल कितने का है, टॉप मॉडल कितने का है, वो भी आपको बताऊंगा कैसी है, अपना ओपिनियन जरूर दूंगा। और तुम्हें जैसे बताया कि भाई मुझे है बड़े बड़े अलॉय व्हील पसंद, तो आएगी तो भाई बड़े अलॉय तो डलेंगे, तो उसके लिए भी भाई पूरी मैनेजमेंट करेंगे, देखेंगे अंदर डल भी पाएंगे नहीं डल पाएंगे, हम लेके उसमें खरीद लें और फिर उसमें भाई अलॉय ना डले तो मतलब कि अंदर का स्पेस ना हुआ और ज्यादा कटेगी, तो फिर कोई फायदा भी नहीं है ना, क्योंकि हमें गाड़ी ऐसी जिसके अंदर बड़े अलॉय लगे, हमें बड़े अलॉय बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे जैसे कि बहुत बंदे मुझसे कहते हैं अरे तरुण भाई अब तो इसे बेक के कुछ और ले लो, अरे भाई मुझे ना पहली बात तो ये है कि ये मुझे बेकनी नहीं है, फर्स्ट एक चीज की भाई बेकनी नहीं है, और कहते हैं दूसरी गाड़ी, तो भाई देखो दूसरी गाड़ी जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेंगे बढ़िया कुछ अच्छी मिले जब लेंगे। देखो भाई कोई भी ऐसे मैं ले नहीं सकता कि स्कॉर्पियो ले लिया वो भी ले लिया स्विफ्ट ले लिया कुछ भी ऐसे ले लिया एक्स वाई जेड, थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि भाई हमें प्लानिंग करनी पड़ती है सभी चीजों के लिए कुछ लेने से पहले ना, कि गाड़ी सब चीज नहीं होती और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, या गाड़ी खरीदना सब चीज नहीं होती और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बहुत सारी चीज चल रही है ऑन द प्रोसेस, लाएंगे कुछ बड़ा लाएंगे, देख रहे हैं अभी क्रेटा वेरेटा देखने चल रहे हैं, क्रेटा का मन बनाया है थोड़ा सा। अभी फिलहाल आ चुके हैं भाई, अरे हुंडई का शोरूम अच्छा पीछे रह गया, पीछे रह गया, अभी पीछे जाता हूँ मैं और फिर आपको दिखाता हूँ हुंडई की मैं आपको गाड़ी, अभी मैंने यहाँ खड़ी कर दी क्योंकि सबकी गाड़ियाँ यहीं खड़ी हैं। तो भाई ये देखो ये रही भाई नई क्रेटा तुम्हारी, भाई ऐसी लग रही है वेन्यू जैसे वो खड़ी ना, बिल्कुल उस जैसी लग रही है। तो ये देखो टायर के अंदर है ना, हाँ भाई 20 इंच चेयर इसमें आराम से लग जाएंगे बढ़िया, तो अभी जो इसमें टायर दिए हैं ना वो है 17 इंच के तुम्हारे, तो 20 इंच लग जाएंगे। तो साइड तो भाई इसकी उस जैसी है जैसे पहली वाली क्रेटा है, बस आगे पीछे थोड़ी चेंज है, इंटीरियर बहुत खतरनाक है पीछे भाई, ये रही तुम्हारी इसके इंडिकेटर ये डॉट वाले जल रहे हैं, ये शायद टॉप मोड है, हाँ SX है, इसकी टेल लाइट ये वो ही है कनेक्टिंग वाली, तो पीछे से इतनी कुछ ज़्यादा खास लगी नहीं, वेन्यू लग रही है आगे पीछे से मुझे, और वो रही देखो वेन्यू, और ये रही क्रेटा।
तो देखते हैं अभी अंदर से, अभी देखता हूँ मैं पहले, अभी कोई भाईयर है वो भी देख रहे हैं, तो उसके बाद मैं देखूँगा इसे अंदर से। साइड और तो सेम ही है, अभी अंदर से चेक करते हैं इसे। फ्रंट देख लो भाई इसका, ये देखो इसका इंटीरियर भाई, ये कुछ इस तरीके से है, ये देख लो। तो ये वाला तो पोर्शन वही लग रहा है, इधर से पूरा भाई एक्सयूवी 700 की तरह कर दिया, और ये भी बढ़िया लग रहा है इधर होल्डर वगैरह रखने के लिए, मतलब कुछ सामान वगैरह रख लोगे तुम इधर। और बोस का म्यूजिक सिस्टम जो कि भाई पहले से आ ही रहा है, और ये भाई तुम्हारी पैनारोमिक सनरूफ। तो अगर अंदर से देखी जाए तो भाई बहुत सही लग रही है मुझे तो गाड़ी, अंदर से तो एक नंबर है। ये देखो भाई योगी वेंटिलेटेड सीट्स के बटन तुम्हारे, भाई तुम्हें आगे से तो मैंने दिखा दिए, पीछे से देख लो भाई ये है कैसी। तो अभी भाई हुंडई में ऐसा है कि भाई वीडियो वगैरह इसका बनाना मना है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारा तो काम है ये बनाना। तो देखते हैं ये वाले अच्छे लग रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि SX ठीक रहेगी। अब देखते हैं SX में क्या क्या चीज़ें हट जाती हैं, वो भी हमें भाई बताने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शनल थोड़ी, देखते हैं दोनों के रेट में कितना डिफरेंस है। ये बहुत सही लग रही है मेरे को जो इसकी स्क्रीन है पूरी। तो इसमें इंटीरियर वगैरह सब सेम आएगा, तो एक बार थोड़ा कंपैरिजन बता दो इन दोनों का ना मेरे को भाई। क्रेटा की ये रेट लिस्ट ले लिया, अभी गाड़ी में बैठ के आपको बताता हूँ मेरी गाड़ी वो रही। और भाई ये है इसका पर्चा, तो भाई पता है क्या, मैं वीडियो बना रहा था उसकी, तो गार्ड कह रहा भाई वीडियो मत बनाओ, अलाउड नहीं है क्रेटा की। मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा है क्या हुंडई में, तो मैंने कहा भाई अगर मैं लूँगा तो भाई दिखाऊँगा अभी, तो भाई पब्लिक को वीडियो बनाऊँगा भाई मैं तो 100%। तो मैंने भाई गाड़ी देखी, ठीक लगी, तो आगे बाहर से कोई इतना ज़्यादा खास चेंज नहीं है। इंटीरियर में जो चेंज था ना यार, वो बहुत अच्छा था। वो एक तो वो डिस्प्ले और उसका स्टेयरिंग, एक तो थोड़ा बेज, हाँ बेज बेज से कलर में था। और ये देखो भाई ये तुम्हारा है, अगर इसका तुम वो लोगे क्या नाम है, क्रेटा 1.5 MP ई वेरियंट, तो ये है, ई है तुम्हारा, मतलब सबसे बेस वेरियंट है तुम्हारा, 13,67,031 रुपये। इसको आप कम भी करा सकते हो, जैसे ये हटवा के, जैसे ये है 28,700 रुपये का ये आइटम, इसे कटवा दो। टेफलोन कोटिंग इसमें देखो भाई कितने की लिखी हुई है, टेफलोन और एंटी रस्ट कोटिंग 11,500 की, इसे हटा दो और इसे हटा दो। तो अभी मैं घर चलता हूँ और फिर तुम्हें ढंग से बताऊँगा इसका कि कितना, अगर इन चीज़ों को हटा दोगे तो तुम्हारा कितना बेनिफिट रहने वाला है, क्रेटा को लेने में कितने की ये पड़ जाएगी, फिर तुम्हें सस्ते में पड़ जाएगी ये और भी ज़्यादा। तो अभी पहले घर चलता हूँ, फिर वहाँ आपको दिखाऊंगा इसकी सारी डिटेल, घर पे बैठ के आराम से बताऊंगा, क्योंकि मैंने ना मेन पूछा था SX। देखो SX बहुत सही लगी मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए सनरूफ, तो ये पड़ रही है 18,41,000 रुपये की। और फिर मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि भाई 18 लाख की मैं इसे ही लूँगा, इससे बढ़िया क्यों ना मैं महिंद्रा की भाई वो लूँगा, स्कॉर्पियो एन दिखने में भाई कितनी दमदार और बड़ी है, जहाँ 18 लाख लग रहे हैं वहाँ 1-2 लाख और सही, क्योंकि भाई फिर एक मतलब कि उसका एक रुतबा अलग है यार स्कॉर्पियो एन का ना, वो जो चलती है मार्केट में तो लगता है कि भाई कुछ चल रहा है, स्कॉर्पियो हो गई या स्कॉर्पियो एन हो गई दोनों का। तो अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या लेने वाले हैं क्या नहीं लेने वाले। एक बार ना मैं इसके ग्रीन कलर देखना चाहता हूँ और SX देखना चाहता हूँ कि SX में और ऑप्शनल में क्या कितना कुछ डिफरेंस है। देखो ये स्कॉर्पियो ये तो लग रही है भाई कुछ दमदार सी, तो अगर इसके अंदर से देखोगे ना भाई ये देखो ये कुछ लग रही है बैठने के बाद कि हाँ भाई किसी में बैठे हैं, इतनी बड़ी दमदार। तो अभी इसका पता करते हैं कि सनरूफ वाला वेरिएंट कितने का है क्या है, तो अभी देखते हैं। गाइस भाई ये देखो हमने लिया है स्कॉर्पियन का पर्चा, तो इसकी अब मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ अभी घर चल के। तो ये भाई हमें पड़ रही है 21 लाख कुछ की, मैंने एस सीरीज वगैरह इसमें हटवा दिया, तो ये पड़ रही है 21,45,784 की Z8। हाँ Z8 ही है, Z8 है ना, हाँ Z8। ये देख लो भाई 2-व्हील ड्राइव 7-सीटर। तो अभी चल रहे हैं घर, वहाँ पर आपको बैठ के तसल्ली से बताऊंगा। और वैसे मेरे हिसाब से भाई मुझे स्कॉर्पियो एन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगा। तो गाइज ये देखो भाई मैं घर आ चुका था, और ये भाई क्रेटा की लिस्ट, और जैसे तुम्हें पता है कि भाई इसका जो बेस मॉडल है ना वो पड़ रहा है ये रहा भाई, एक्स शोरूम प्राइस है 10,99,900 रुपये, और ये ऑन रोड हमें पड़ जाता है 13 लाख का। ठीक है भाई 13 लाख रुपए का भाई बेस मॉडल पड़ रहा है इसका। और जैसे भाई अगर आप ये टेफलॉन कोटिंग कम कराओगे और शील्ड ऑफ ट्रस्ट ये कम कराओगे तो थोड़ी और कम पड़ जाएगी, जैसे कि ये है 13,67,000 की है ना, तो ये अप्रोक्स आपको पड़ जाएगी भाई 13,10,000 समथिंग के आसपास की, वो आप कैलकुलेशन कर लेना। और जो भाई इसका, और जो मैंने पूछा था SX, एक ई वेरियंट सबसे ज़्यादा बिकता है इसका और SX ज़्यादा बिकता है, और SX ऑप्शनल, तो SX पड़ रहा था हमें 18,41,000 रुपये का। और फिर SX ऑप्शनल में चले जाओगे तो ऑप्शनल पड़ रहा था हमें भाई 20,67,000 और 265 रुपये का, ये देखो भाई ठीक है
ये है प्राइस लिस्ट इसकी, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो भाई। और डीजल वेरिएंट भाई, डीजल मुझे पसंद ही नहीं है तो डीजल भी इधर लिखा हुआ है, वैसे मैं बताया तुम डीजल का बेस वेरिएंट भाई जो आ रहा है वो आ रहा है 1,570,000 मान लो समथिंग, ठीक है। और इसका जो SX है, नहीं इसमें SX नहीं है, SX ऑप्शनल है मैनुअल, तो SX ऑप्शनल मैनुअल पड़ रहा है इसका भाई, ये कहाँ गई ये रही भाई, ये है 22,90,000 रुपये की, तो ये है। और फिर मैंने भाई, मैं गया था महिंद्रा के शोरूम में, जैसा आपको पता ही है, उन्होंने भाई कोटेशन बना के दी मुझे, वेरिएंट है Z8 मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल की 7 सीटर ब्लैक कलर, क्योंकि देखो ब्लैक कलर चाहिए मुझे ना, ब्लैक बढ़िया लगता है। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 18,00,000 और 70,000 का इंश्योरेंस है, और ये लग के भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह लग लगा के, तो मैंने इधर इन्होंने एस सीरीज के 25,000 रुपये लगाए थे वो मैंने कटवा दिए थे, और एक्सटेंडेड वारंटी के 8,000 कुछ थे, वो 8,000 पता नहीं कुछ थे तो वो भी हटवा दिए, तो ये पड़ रही है मुझे 21,45,784 की। तो भाई ये देख रहे हो, ये पड़ रही है 21 की, वो पड़ रही है 18 की, तो 18, 19, 20, 21 मतलब कि 3-4 लाख मान लो समथिंग, 4 लाख का भाई डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। और भाई इसका जो ये दिखाता हूँ भाई, ये रही, हाँ ये रही भाई, वैसे 22,00,000 का ये, मैंने दो चीज़ें कम कराई तो रेट कम हो गया था इसका ना, वैसे 22,20,000 रुपये की है, तो अभी देखते हैं। और साथ ही साथ भाई मुझे फिर वो भी पता चल गया कि महिंद्रा की भाई 5-डोर थार भी आने वाली है, तो उसमें भी 4 महीने की वेटिंग है, इसमें भी 4 महीने की वेटिंग है, तो अब देखते हैं भाई कौन सी क्या फाइनल करते हैं। अब थार और मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन रुक के थार भी देख लूँ, या देखते हैं जो भी सीन होता है वो अगले व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये है टोटल ओवरऑल वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी भाई कन्फ्यूज है स्कॉर्पियो एन में या क्रेटा में, अगर किसी को नई चीज़ चाहिए, बजट ही उसका 18 के आसपास है, तो भाई वो क्रेटा पे चले जाओ, और किसी के पास सही बजट है और कुछ मतलब कि कुछ ऐसी गाड़ी चाहिए कुछ तगड़ी सी, तो भाई फिर स्कॉर्पियो एन पे चले जाओ, 2-4 लाख की बात है। तो गाइस भाई आप भी कमेंट करके बता दो कौन सी गाड़ी लूँ, स्कॉर्पियो एन लूँ या क्रेटा लूँ या कोई और आप सजेशन करना चाहते हो, तो भाई वो भी कर दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने भाई के लिए, जी तरुण भाई ये ले लो या वो दूसरी ले लो। क्लासिक मत बोलना, मैं क्लासिक नहीं लूँगा भाई, ठीक है ना, स्कॉर्पियो क्लासिक नहीं लूँगा। यहाँ तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।